एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल एटम्स एक साथ एग्रीगेट बनाते हैं और उनको कई तरीके से वो कंबाइन हो सकते हैं, या तो ग्रेफाइट बना सकते हैं, डायमंड्स बना सकते हैं, फुलेरीन्स बना सकते हैं कार्बन के नैनो के। नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन इवन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO गैस भी बना सकता है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, है ना। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट भी कर सकता है और N2O बन सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इस गैस के बारे में पढ़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड, NITROUS, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है ये, इसके बारे में कुछ जानते हैं सर? लाफिंग गैस। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। बहुत बढ़िया, लाफिंग गैस कहते हैं। एक्चुअली लाफिंग गैस इसको इसलिए कहते हैं, हंसाता नहीं है ये, एक्चुअली एक एनेस्थीसिया क्रिएट करता है। एनेस्थीसिया समझते हैं ना, मतलब थोड़ा सा बेहोशी, थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। अगर आप इस गैस को सूंघ लेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, और जनरली जब दिमाग काम करना बंद करता है तो कई बार लोग हंसने लगते हैं, ऐसे दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं रहता तो ऐसे हंसने लगते हैं। दैट्स व्हाई दिस गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। तो कहने का मतलब ये है कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जो कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा किसी के साथ कंबाइन करते हैं, खुद के साथ या फिर किसी दूसरे के साथ। ऑक्सीजन भी खुद के साथ, ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर O2 फॉर्म करता है, ऑक्सीजन गैस जो कि होता है। तीन ऑक्सीजन भी आपस में एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, है ना। तो ये है, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया आपको। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला रह सकता है। अभी ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स को स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। विच कैन एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली, है ना, ओके है कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले तो बहुत सारे एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना, CO2 हो गया, NO2 हो गया, N2 हो गया, आयरन का एक टुकड़ा हो गया, एक अकेला आयरन नहीं, आयरन का एक लंप, आयरन का एक टुकड़ा हो गया, है ना, या फिर गोल्ड का एक आपका कोई आप गोल्ड का एक टुकड़ा हो गया, AU को गोल्ड कहते हैं, गोल्ड का एक टुकड़ा, आपने जो भी कुछ पहना होगा गोल्ड का, सो दैट इज अ गोल्ड, गोल्ड का एक टुकड़ा। अकेला गोल्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता, याद रखिएगा, अकेला कौन एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही है, नोबल गैस, नोबल गैसेस। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, बस एक ही ऐसा स्पीसीज है जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सकता है एटमिक फॉर्म में, एंड दैट इज नोबल गैस। तो नोट करके यहां पे लिख सकते हैं कि नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इन एन एटमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम बताइएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन, है ना। एक एच का एटम एग्जिस्ट कर सकता है, याद रखिएगा, इन नोबल गैसेस, इसलिए इनको नोबल गैस कहते हैं। नोबल मींस विच डू नॉट रिएक्ट,
with anyone, which do not react with anyone, उनको हम noble gases कहते हैं. Is it clear? ठीक है, यहां तक बताइएगा, समझ में आ रही है बातें? यस सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ यस पूछना सर, यहां तक? नहीं. ओके, चलिए. सो एटम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, एटम के बारे में थोड़ा सा कुछ जान जाइए एटम के बारे में, कि एटम किस किस चीज से बना होता है. तो कोई भी एटम की बात करें, अगर आप एटम की बात करें, तो एटम तीन चीजों से मिलके बना होते हैं. आपको पता होगा क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं. पता है कि नहीं आपको? इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं. फंडामेंटल क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्टिकल्स जिससे आपका कोई भी सब्सटेंस मिलके बना होता है. अच्छा, मजेदार बात यह है कि सिर्फ तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. आप थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे तो और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक बीटा पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, मेसॉन पार्टिकल, पाई मेसॉन पार्टिकल, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि वो किसी चीज से मिलके नहीं बना है, उसका एक अकेला अपना वजूद है ना? दैट इज नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल. सो एटम जो होता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और होता क्या है, तो आपने कुछ तो एटम के बारे में आप बेसिक चीजें जानते होंगे कि एटम में क्या होते हैं. तो बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स बाहर उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं. हालांकि और भी कोई बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे ये हो सकते हैं. ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया, दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये सी. तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में कुछ आइडिया है ना? न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से. और बाहर उसके पार्टिकल्स जो चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन. इसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं? है ना भाई, बेसिक आइडिया सबको है ना? यस इतना तो पढ़ा होगा. यस अच्छा, यहां से आपने दो चीजें और पढ़ी होंगी. एक होता है एटमिक नंबर और एक होता है मास नंबर. क्या होता है एटमिक नंबर और मास नंबर, जरा बताइएगा. किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? न्यूक्लियस में, बेसिकली एटम में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम एटमिक नंबर कहते हैं. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना? एटमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं बताइएगा? वन वन. वन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है. वेरी गुड. और कार्बन की न्यू, सर, हाँ बोलिए. हमेशा हम ऐसा क्यों बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो मतलब वही हुआ एटॉमिक नंबर. ओके ओके ओके, बिल्कुल. ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है. रीजन ये है, देखिएगा, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है उनको आप बाहर जनरली नहीं निकाल सकते, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को आप बड़े ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं. तो आप ये बताइए, सोडियम की बात करें, सोडियम में
11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, और उसके अंदर 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है कि नहीं बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप कहेंगे इसका मास नंबर तो चेंज हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर तो चेंज होने वाली क्वांटिटी है नहीं जब तक कि एटम ही बदल ना जाए। बात समझ में आ रहा है ऋषि? इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते एज एन एटॉमिक नंबर, है ना? प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसीलिए प्रोटॉन्स को हम गिनते हैं, क्योंकि उनको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, उनके निकालने के लिए तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने पड़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये सब काम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आसानी से काम नहीं। तो प्रोटॉन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इज इट क्लियर? और फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल है तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल के लिए होगा, अगर न्यूट्रल है तो। फॉर एग्जांपल सोडियम न्यूट्रल है, सोडियम मींस कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इसीलिए अगर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से भी गिन रहा है तो इलेक्ट्रॉन से भी गिन सकते हैं। बात समझ में आ रहा अनुश्री? लेकिन अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्ट स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी द एटॉमिक नंबर, इज इट क्लियर? यस सर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम मास नंबर कहते हैं, इसको हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है? और इसको एक और नाम देते हैं, क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इज इट क्लियर? तो कई बार नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे जाते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होते हैं, जो कि मास नंबर के बराबर होता है, इज इट क्लियर? यहां तक कोई समस्या? ठीक है, बताइएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है? यस। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, पहला दिन है, आराम आराम से चलते हैं, ओके? एक बार मैं ये शीट आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन कैसे, शायद ग्रुप इसमें ऐप के थ्रू आपको शायद भेजा जा सकता है ना, ऐप में आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं आप लोग? सर हैं। है ना? नो सर, अभी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रजिस्टर देख लूंगा, करा दूंगा, ठीक है? और फिर मैं ये जो सीट है जो मैंने आज पढ़ाया है, वैसे बेटर है कि लिखा कीजिए आप लोग, हालांकि मैं ये शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के इस पे क्या कहते हैं ऐप में, वहां से आप जो भी मैंने ये लिखा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, कल हम बात करेंगे। हाँ बोलिएगा सर, बायो की क्लास कब होगी? अच्छा, बायो की क्लास, हाँ बता दूंगा, कल परसों से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? यस सर। कल या परसों से वो भी देख लेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे, ओके? यस सर। ओके ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर. बता.